दोस्तों आप सभी को पता है कि हम फाइल शेयर करने के लिए जेंडर और शेयरिट ऐप का यूज़ करते थे, बट ये दोनों ऐप इंडिया में बैन हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को फाइल शेयर करने का एक अल्टरनेटिव और इंडियन ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप बहुत इजीली फाइल शेयर कर सकते हैं अपनी दोस्तों के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवास माझी और आप देख रहे हैं बिबूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक फाइल शेयर करने का अल्टरनेटिव और इंडियन ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप बहुत इजीली अपना फाइल शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐप का नाम क्या है और कैसे हम इस ऐप का यूज़ करके फाइल शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है MX Player। तो ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में ये ऐप पहले से है, अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक इंडियन ऐप है जिसका नाम है MX Player। इस ऐप का यूज़ हम लोग पहले से प्लेयर के तौर पे करते आ रहे हैं, अब इस ऐप का यूज़ हम लोग फाइल शेयरिंग में भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, टॉप में लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइल ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप फाइल ट्रांसफ़र पे आ जाइएगा आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, सेंड और रिसीव। अगर आप किसी को फाइल सेंड करना चाहते हैं तो आपको सेंड में क्लिक करना होगा। अगर आप फाइल किसी से लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं तो आपको रिसीव में क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सेंड कैसे करना है। तो सेंड पे क्लिक करना होगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप जो भी फाइल शेयर करना चाहते हैं, वीडियोज़, ऑडियोज़, फोटोज़, ऐप्स, जो भी फाइल आपको शेयर करना है उसे आप चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। और नीचे शेयर नाउ पे आपको क्लिक करना है। शेयर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाता है, वो परमिशंस आप दे दीजिए। यहाँ से हम लोग अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिवाइस पे सेंड करना है उस पर भी आपको क्या करना होगा, रिसीव में क्लिक करके उसे अलाउ कर देना है। उसमें भी जो भी परमिशंस मांगा जाता है उसे आप अलाउ कर दीजिए। और अलाउ करने के बाद यहाँ पर उसका डिवाइस का नाम शो करेगा और उस पर क्लिक करके उसे आप फाइल सेंड कर सकते हैं। या फिर नीचे एक ऑप्शन है स्कैन QR कोड, इस पर क्लिक कीजिए और दूसरे डिवाइस से इस QR कोड को स्कैन करके भी फाइल शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप बैक आ जाइए। और बैक आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसीव कैसे करना है। तो फिर से यहाँ से बैक आ जाइए। अब रिसीव कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई दूसरा आपका फ्रेंड या फिर कोई भी फाइल शेयर कर रहा है, तब आपको क्या करना होगा, रिसीव में क्लिक करना होगा। और रिसीव में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी जो भी परमिशंस मांगा जाता है उसे अलाउ कर दीजिए। और अलाउ करने के बाद जो भी फाइल सेंड होगा उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी ये डिवाइस उसके मोबाइल पे शो करेगा और वहाँ पे वो सेलेक्ट करके फाइल ट्रांसफ़र कर देगा, सेंड कर देगा और वो फाइल आपके फ़ोन में आ जाएंगे। और इसी तरीके से आप MX Player का यूज़ करके फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप MX Player का यूज़ करके बहुत इजी तरीके से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक इंडियन ऐप है, जो पहले हम लोग यूज़ करते थे जेंडर या फिर शेयर इट, वो चाइनीज़ ऐप था और उसे बैन कर दिया गया, आप सभी को पता ही है। बट MX Player एक इंडियन ऐप है और ये सेफ़ है और इसका यूज़ हम लोग पहले से भी प्लेयर के तौर पर करते आ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में पता है कि ये कितना सेफ ऐप है। और अब हम लोग इसका यूज़ फाइल ट्रांसफ़र में भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि MX Player हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वीडियोज़ देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, वेब शोज़ भी मिल जाते हैं, TV, लाइव म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।